है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सबीना और मैं आज आपको सिखाना चाहूँगी तुरपाई करना। कपड़े पे तुरपाई कैसे करते हैं और सुई में धागा कितना लेते हैं और कितना डबल या सिंगल। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको तुरपाई करने का प्रोसेस समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा प्लीज़। ये देखिए, ये कपड़ा है। इस कपड़े को तुरपाई करने के लिए हमेशा कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जब भी तुरपाई करेंगे आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तभी होगा। ये सिंगल कपड़े पे कभी भी तुरपाई नहीं की जाती है। ये धागा और ये सुई, ओके। तो सुई में धागा डालती हूँ मैं पहले, तब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपको करीब से दिखाती हूँ, इस सुई में धागा गया। और हाँ, तुरपाई करने के लिए हमेशा पतली सुई का इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए, ये धागा है, ओके। और ये धागा हमेशा सिंगल लीजिएगा, डबल कभी भी नहीं, डबल से तुरपाई नहीं की जाती है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड, इसको लास्ट में ऐसे गार्ड कर लीजिएगा, ओके, सिंगल धागे में, डबल धागे में कभी भी नहीं। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतने गाँट होंगे, ओके। ये गाँट करने के बाद और मैं आपको आज तुरपाई करने का तरीका दिखाती हूँ। ये इसको डबल कपड़ा आपने लिया और इसको आपने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। हमेशा ये इसको ऐसे पकड़िएगा, ओके। और ये धागा कभी भी नीचे से नहीं होगा, ठीक है। तुरपाई करने के लिए हमेशा ऊपर का यूज़ किया जाता है, ओके फ्रेंड। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ तुरपाई करके। ये देखिए, ये ऊपर आएगा, ओके। ये करीब से देखिए, ये ऊपर आएगा, फिर उसके बाद ये देखिए फ्रेंड। अब पास पास में ही तुरपाई करिएगा, दूर की तुरपाई अच्छी नहीं लगती। पास करने से आपके कपड़े में खूबसूरती आ जाएगी, बारीक तुरपाई करने से, ओके। फ्रेंड देखिए, मैं आपको तुरपाई पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतनी तुरपाई की, ओके। अभी आप आगे से देखिए, करीब से। ये देखिए, कैमरे में आ रहा है आपके, ये तुरपाई दिख रही है ना। ये देखिए, तो बारीक तुरपाई करेंगी तभी आपके कपड़े में खूबसूरती आएगी, नहीं तो आपको इस कपड़े में खूबसूरती नहीं दिखेगी। तुरपाई अच्छी होनी चाहिए हमेशा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको तुरपाई को ऐसे कर दिया। ये देखिए, ये अंदर के प्रोसेस को देखिए, अंदर कैसा लग रहा है, अंदर की फिनिशिंग देखिए। और ये मैं आपको बाहर की फिनिशिंग दिखाती हूँ। ये देखिए करीब से, ये देखिए, ये आपको दिख रहा ना, ये देखिए। तुरपाई हमेशा ऐसे ही की जाती है। ये देखिए, इसका एंड कैसे होगा, ये देखिए। हमेशा एंड को ऐसे करिएगा, पीछे की तरफ कभी नहीं, जो होगा सब अंदर की तरफ ही होगा, ओके। तो ऐसे करके एक गाँट ऐसे दे दी जाएगी ताकि ये पक्का हो जाए, ओके फ्रेंड। ये देखिए, इसको ऐसे कैची से कट कर लेंगे। देखिए, और हाँ, इस सुई के धागे को हमेशा गाँट बनाकर ही रखिएगा ताकि आपकी सुई खोए तो मिल जाए आपको धागे के साथ, ओके फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी तुरपाई देखिए कैसी लग रही है। मैं आपको ये तुरपाई करीब से फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमेशा तुरपाई आपकी ऐसे ही होनी चाहिए तभी आपके कपड़े में खूबसूरती आएगी, नहीं तो आपके कपड़े में खूबसूरती एकदम ही नहीं आएंगे, चाहे आप तुरपाई जैसे भी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।